इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर कटिहार के कुछ चुनिंदा पंडालों की झलक इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए। ये पंडाल है स्थानीय रेलवे कॉलोनी स्थित साहेब पारा की। इसे बिल्कुल भव्य स्वरूप दिया गया है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। उम्मीद है कि माँ इस बार भी हर वर्ष की तरह लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करे। साहेबपाड़ा पंडाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है स्थानीय लंगड़ा बगान पूजा पंडाल और इस पंडाल को केदारनाथ धाम की शक्ल दी गई है। आप भी पधारिए और लुत्फ उठाइए लंगड़ा बगान पूजा पंडाल का। यहाँ आपको बात बता दें कि इस पंडाल की जो मूर्ति है, जो माता की मूर्ति है, वो बेहद ही खूबसूरत है। आप जब भी आए इस मूर्ति को व्यापक रूप से देखें। और चलिए यहाँ से चलते हैं अति प्राचीन लीडर क्लब की तरफ जो पानी टंकी पर अवस्थित है। हमेशा की तरह ही लीडर क्लब के पंडाल को भव्य और खूबसूरत रूप दिया गया है। आप यहां आकर माता रानी के दर्शन अवश्य करें। लीडर क्लब के उपरांत कारवां आ पहुंचा है LWC डहरिया के प्रांगण में। जी हां, बहुत बड़ा ये मैदान और उतना ही खूबसूरत ये सूर्यदेव को समर्पित मंदिर के अनुरूप पंडाल LWC डहरिया। Thank you.
इस पंडाल के भीतर की सजावट तो देखते ही बनती है। जब भी आप यहाँ पहुँचे तो कुछ समय वहाँ रुकें जरूर और पंडाल की भीतरी सजावट को गौर से देखिएगा। मैदान बहुत बड़ा है, इसलिए इस पूजा स्थल पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। आप सब जब वहां पहुंचें तो उस मेले का भी आनंद लें जरूर। और अगला पड़ाव है हवाई अड्डा स्थित ढोलक के आकार में बना ये बेहद ही खूबसूरत पंडाल हवाई अड्डा। और अब ये कारवां आ पहुंचा है बहुत ही पुराने क्लब संग्राम संघ के पंडाल के पास। जी हाँ, आप नजारा लीजिए इस खूबसूरत पंडाल का, संग्राम संघ कटिहार। वीडियो के अंत में देखिए वो खूबसूरत पंडाल उस खूबसूरत क्लब में बना है जिसका नाम है सन ऑफ इंडिया। काफी वर्षों तक ये सन ऑफ इंडिया क्लब अपने चर्चित पंडालों के लिए विख्यात रहा है और उसी के तर्ज पर इस साल भी इनका पंडाल देखने लायक है। इस पूरे पंडाल में सिर्फ बांस का काम किया गया है। यहाँ तक कि इस पंडाल में जितने भी प्रतिमाएं लगी है वो सब बांस की करची से बनी हुई है। आप जब यहाँ पहुंचे तो गौर से इन कलाकृतियों का लुत्फ उठाएं। सन ऑफ इंडिया कटिहार। जब आप मुख्य पंडाल में प्रवेश करते हैं तो पंडाल के बाईं तरफ देवी दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमा बांस से बनाई गई है और वहीं पंडाल के दाहिनी तरफ जब आप पंडाल से बाहर निकल रहे होंगे तो विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमा बांस से बनाई हुई आपको मिलेगी। बेहद ही खूबसूरत पंडाल। We'll be right back.
हम आशा करते हैं कि देवी दुर्गा इस साल भी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम